हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा एक अच्छी खबर और सटीक जानकारी लेकर आता हूं, कभी फेक न्यूज़ नहीं बनाता हूं। यहां पे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्र परीक्षा प्रणोत किए जाएंगे, या दिल्ली यूनिवर्सिटी का है, या पेपर है हिंदुस्तान का पेपर है। इस तरह का हिंदुस्तान का कलर होता है पेपर का। और मैं आपको वेबसाइट पर भी ले चलूँगा हिंदुस्तान की। यहाँ पे पहले आप देख सकते हैं कि पूरी खबर को पढ़ लीजिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट बिना परीक्षा दिए प्रमोशन कर दिए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर वाले छात्र को बिना परीक्षा दिए प्रमोशन कर दिए जाएंगे। यहाँ पे पूरी खबर को जरूर पढ़िएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी 15 मई तक गर्मी की छुट्टी घोषित करने पर विचार कर रहा था, ताकि अगला सेशन समय से शुरू हो सके। तो यहाँ पे ये खबर है। और यहाँ पे देखिए, DU में सीनियर ऑफिसर के बीच मीटिंग से इस तरह का सुझाव दिए गए हैं कि लेकिन इस पर अंतिम निर्णय DU के कुलपति को लेना है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए दिल्ली सिटी की बैठक मौजूद रहेगी। एक ऑफिसर ने बताया कि सबसे अधिक संख्या फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है, और उसे कम सेकेंड ईयर में है। तो इससे इन दोनों क्लास के स्टूडेंट को प्रमोशन करके विचार किया जा रहा है। कुछ ने राय दी है कि सभी परीक्षा मुश्किल है और प्रथम और दूसरी वर्ष को प्रमोशन कर दिया जाए, यानी कि सभी परीक्षा कराना मुश्किल है और कुछ का प्रमोशन कर दिया जाए। ऐसे में स्टूडेंट को प्रमोशन करने पर विचार किया जा रहा है। और यहाँ पे पढ़ सकते DU पहले ही प्रमोशन DU के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है उसका जो एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है। यहाँ पे देखिए, इस संक्रमण को देखते हुए 1 अप्रैल के पहले वीक में शुरू होने वाली ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सहित AFIL और PhD की आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हुई है। यहाँ पे आधार पर या पूर्व के मूल्यांकन के आधार पर उत्तीर्ण कर दिया जाए। इसके बाद थर्ड ईयर के स्टूडेंट की परीक्षा कराने बड़ी चुनौती होगी। DU की पोस्टपोन कर चुका है परीक्षा। DU बृहस्पतिवार को इस संक्रमण को देखते हुए 1 अप्रैल के पहले वीक में शुरू होने वाली पोस्ट और पोस्ट ग्रेजुएट सहित MPL और PhD की परीक्षा जो है स्थगित कर चुका है। इसके अलावा DU ने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यानी कि इन सबका भी परीक्षा बंद कर दिया है। यहाँ पे 2 छुट्टियाँ घोषित कर चुके हैं, यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी पहले ही 2 छुट्टियाँ घोषित कर चुका है। IIT और मुंबई IIT खड़गपुर पहले ही अपने यहाँ महामारी के कारण लॉकडाउन के बाद गर्मी की छुट्टियाँ घोषित कर चुके हैं। यह निर्णय उन्होंने समय से नया सत्र जो है शुरू करने के लिए ही कर दिए हैं, इसके लिए लिया गया है। हालांकि IIT दिल्ली ने अभी इस तरह का कोई निर्णय नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स, यही थी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।